मैं जिंदा हूँ साहब, लेकिन जमीन हड़पने पटवारी ने कर दिया अमृत घोषित और जमीन कर दी दूसरे के नाम। जिया नरसिंहपुर के ग्राम मुआर का एक 75 वर्षीय बुजुर्ग पिछले 2 सालों से ऐसी ही गुहार लगाते हुए एक विभाग से दूसरे विभाग के चक्कर लगा रहा है, लेकिन ना अब तक उसे जीवित माना गया और ना ही उसके हिस्से का उसे वाजिब हक मिल पाया। नरसिंहपुर के ग्राम पंचायत मुआर में रहने वाले हल्कीवीर कहार पिछले 2.5 साल पहले नर्मदा परिक्रमा को गए हुए थे और इसी बीच उनके रिश्तेदारों ने और गांव के पटवारी प्रहलाद द्वारा षड्यंत्र रचते हुए उसे दस्तावेजों में मृत घोषित कर दिया और आनन फानन में उसकी जमीन के दस्तावेजों पर उसकी फोर्ट दर्ज कराकर कोई वारिस न होने का कहते हुए लगभग 10 एकड़ की जमीन का बंदरबाट कर लिया गया। जब बुजुर्ग नर्मदा परिक्रमा से लौट के आया तो उसने अपनी जमीन सिकमी में देने के लिए खसरा की नकल निकलवाई तो वो हैरान रह गया। दस्तावेजों में उसे मृत घोषित कर दिया गया था। हालांकि 2 सालों में दर्जनों बार पटवारी ग्राम पंचायत और कलेक्टर की चौखट पर आकर उसने खुद के जीवित होने की गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बुजुर्ग का कहना है कि उसकी जमीन हड़पने के लिए उसे दस्तावेजों में मृत घोषित किया गया है और जमीन हथिया ली गई है। अब 2 साल से वो सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है, लेकिन कोई उसे जीवित नहीं मान रहा है। यहां तक कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाण पत्र भी जारी किया गया, लेकिन उसे भी नकारा जा रहा है। तो मरा हुआ किसने बता दिया? भाई पटवारी ने बताई थी मुहे। हाँ का? ननगे बेटे खसराम नाम से देख किसने। हाँ। के बाद नाम देखे तो हम देख लो तीनों के मिल गए। हाँ। के बोलो कही जो कही आप कही पोत लिख गए, पोत लिखवा दो को दिन। हाँ राम प्रसाद हूँ ना, तो मैंने कही गाँव में पता लगा ले तो। राम प्रसाद कौन है? हमारे बड़े दादा के नाती हैं धन सिंह, उनने मृतक घोषित करा के। हाँ तो फिर इन्हें वेरिफिकेशन नहीं किया पटवारी ने? आपसे मिलने नहीं आए पूछने आप जिंदा हो कि नहीं हो? नहीं जाने देज कही थी कि मैंने कही फिर मैं आओ यहाँ तो कलेक्टर साहब बोल के दादा समस्या। मैंने कही मैं समस्या में नहीं बता रहा हूँ, पहले मुँह जब बताओ मैं जिंदा दिखा रहा हूँ तुम्हारे मर्द दिखा रहा हूँ। तो बोल के एक बार बिन मार डालो हम आप जिंदा कर रहे हैं। क्या हुआ? बिन कागज दे दो पटवारी के, जो पटवारी कागज दे दे आप वही बना के दे दे तो आप जिंदे हो जाओ। मैंने वो कागज दिया था भैया जी बधारे है। कितने दिन हो गए? बात 2 साल हो गई। अभी तक नहीं भाई? अभी तक अभी तक जिंदा नहीं भाई तुम? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम हल्कीवीर है। वो कब आते फिर रहे कार्यालयों में जाके आप समझा के कब आते फिर रहे तुम? मैं यही कह रहा हूँ हजूर मुँह पोत कर दो है वो। हाँ कह रहे मुँह पोत को कागज दे दो। हाँ। उन्हें वही दे दो ठीक है ना। आए दिन सरकारी दफ्तरों की चौखट पर न्याय की गुहार लगाने वाले हल्कीवीर में नरसिंहपुर के नवागत कलेक्टर रोहित सिंह के सामने खड़े होकर कहा कि साहब बताओ मैं जिंदा हूँ या मृत हूँ, जिसे सुनकर कलेक्टर भी चौंक गए और हैरान रह गए। बुजुर्ग की आप बीती तत्काल गाडरवारा क्षेत्र के SDM को पूरे मामले को संज्ञान में लेकर दस्तावेजों की जांच एवं दोषी पटवारी के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश दिए। बुजुर्ग ने कहा है कि उसकी पटवारी द्वारा उसको फौत में मृत घोषित कर दिया गया, उसकी जमीन हड़प ली गई है जी। तो ये विषय मेरे संज्ञान में आया है और यही सब बातें सुनने के लिए जन सुनवाई करने के लिए ही हम लोग यहाँ उपस्थित होते हैं, जन सुनवाई में अपनी उपस्थिति देते हैं। इसके एक जाँच के लिए हमें निर्देशित किया हुआ है और अगर ऐसा कोई त्रुटि है और जानबूझ करके ऐसा किया गया है तो संबंधित के खिलाफ उचित कार्रवाई भी और जो आवेदन करता है उनकी उनकी सहूलियत के लिए उनके सुविधा प्रदान करने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा हम करेंगे। पिछले 2 सालों से एक 75 वर्षीय बुजुर्ग अपने आप को जीवित साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। बुजुर्ग ने एक बार फिर नरसिंहपुर कलेक्टर से खुद के जीवित होने की गुहार लगाते हुए न्याय मांगा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि एक जीते जागते इंसान को कब तक दस्तावेजों में जीवित किया जाता है। नरसिंहपुर से संदीप दुबे की रिपोर्ट।